हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मेरी पढ़ाई पे। आज हम बच्चों आपके लेके आए हैं क्विज नंबर 4। ठीक है, मेरी पढ़ाई क्विज नंबर 4। आज आपको ऑगी एंड द कॉकरोचेस पूछेगा आपको, बट लिटिल बिट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू बच्चों। तो आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और विद इन सेकेंडों में आज आपको आंसर देना पड़ेगा। मुश्किल से मुश्किल आज आपकी क्विज 30 मिनट की होगी और उसी मिनट में आपको जितनी भी हमारी क्विज होगी उनका आंसर फटाफट देना पड़ेगा। तो सो रेडी हो जाओ बच्चों। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी विश करो, गुड आफ्टरनून विश करो बच्चों। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज। ओके, जल्दी से आ जाओ, जितने लोगों सारे फटाक से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग संस्कार, प्रार्थना झा, अक्षर याज, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं करो, अक्षर याज गुड आफ्टरनून है। ठीक है, गुड आफ्टरनून ऋषि कुमार, गुड आफ्टरनून। ओके 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 ओके, जल्दी 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 आ जाओ सारे लोग, जल्दी से आ जाओ। स्टार्ट करने वाले हैं, बट बच्चों एक चीज जरूर याद रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी आज की क्विज और आपको टाइम भी कम मिलेगा। मैंने पहले बताया था आप सभी को, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्विज हमारी डिफिकल्ट हो जाएगी। हो सकता है आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, हेल्पफुल तो इतना ज्यादा कि आप समझ में नहीं सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके प्रखर अवस्थी, ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं देखो मोबाइल में देख पा रहा हूँ कौन है कौन नहीं, जल्दी से आ जाओ। ओके गुड आफ्टरनून सगुन सेंगर, ओ सगुन, ठीक है, हाँ ठीक है, पहचान लिया, जल्दी से आ जाओ। अनुष्का पटेल, ओके संस्कार कुशवाहा, जल्दी से आ जाओ सारे लोग, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्विज आज। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चों। आज ऑगी एंड द कॉकरोचेस आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज वाली चीज पूछेगा। ओके सात्विक, ओके सात्विक, ठीक है जल्दी से बच्चों आ जाओ, जल्दी जल्दी विश करो, गुड आफ्टरनून विश करो। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्विज। ओके मयंक सिंह, ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है बच्चों, हम क्विज नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको बहुत सारा नहीं बट लिटिल बिट माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और जितने सेकंड में आंसर देंगे वो सेकंड वो आंसर आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। जो फर्स्ट होगा उसका आंसर, सेकंड उसका आंसर, थर्ड उसका, तो जल्दी से आंसर दे। ऐसा नहीं कि आपको देना नहीं है, जिसने दे दिया उसके बाद भी अगर आप दे सकते हो सकता है उसका आंसर गलत हो। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाओ। ठीक है बच्चों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो पहला जो आपकी क्विज है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्विज आपके सामने आने वाली है विद इन 30 से, ये बच्चों याद रखना कि 30 मिनट में हम आउट ऑफ 20 या 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली क्विज आपके सामने ये रही और विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करनी है।
तो स्टार्ट हो जाओ जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो और कॉन्सेंट्रेट करना है। आज आपको म्यूजिक नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको आएगी, इसलिए म्यूजिक आपको इधर उधर ले जा सकता है। तो कंटिन्यू आप सॉल्व करें, तुरंत आंसर दे विद इन 30 सेकेंड। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दें। बी आंसर, जल्दी से आंसर दें बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दें। थोड़ी सी डिफिकल्टीज मैंने पहले बोला था, इजी नहीं है। मेरी पढ़ाई की क्विज आपको धीरे धीरे डिफिकल्टीज लेवल वो मिलेगा जो आपको हो सकता है बैंक जो POU होते हैं या जितना भी आपका जो माइंड सेटअप होता है उनसे भी ज्यादा, जितना आप कट से पकड़ पाओगे आंसर क्या होगा, जो मेंटल एबिलिटी होती है वो आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों, जल्दी से आंसर दो। गुड आफ्टरनून सिराग, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आंसर दें क्या होगा इसका, आज का आंसर। अ मिनट 48 सेकेंड्स इन द परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, आंसर नोट कर लिया जाएगा आपका उसके बाद तुरंत तुरंत। ठीक है, ओनली 10 सेकेंड यू हैव लेफ्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी द आंसर। हैं बेटा लाइव ही हैं, देखो लाइव हैं, लाइव दिख रहे हैं। ठीक है, हरी राम कौन है ये। ठीक है, तो एक ने आंसर 4%, ऋषि कुमार, ऋषि कुमार ने 4% आंसर दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर। अनुष्का पटेल 2%, दिव्यम दीक्षित। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए टेक्निकल टीम ने जिस बंदे का नाम नोट किया है, यानी जिस बच्चे ने सही आंसर दिया है उसका नाम है दिव्यम दीक्षित। ठीक है, तो टेक्निकल टीम प्लीज नाम नोट कर लीजिए, दिव्यम दीक्षित इज द फर्स्ट वन। ठीक है, हु हैज गिवन द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड वन, सर नेटवर्क प्रॉब्लम, बेटा ये तो हमारा दिक्कत नहीं है, आप अपना रिफॉर्म करो। ठीक है, 3% इज द राइट आंसर है। ठीक है, दिव्यम दीक्षित ने पहला आंसर जो दिया हुआ है 3% दिया हुआ है, जो कि सही भी है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद सात्विक और उसके बाद मिथिलेश, मिथिलेश दी भी आप पहले दे चुकी तो आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी और सात्विक भी पहले आंसर दे चुके हैं 2%, तो उनका भी नहीं माना जाएगा। यानी दिव्यम दीक्षित इन्हीं का बस सही आंसर है और किसी का सही आंसर नहीं है बच्चों, ये याद रखो। आप अगर फर्स्ट टाइम देते हैं, सेकंड टाइम भी देते हैं, अगर सही आंसर फर्स्ट टाइम आपने गलत दिया है, सेकंड टाइम सही दिया है, तो फर्स्ट टाइम वाला माना जाएगा। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्विज आपके सामने आने वाली है विद इन सेकेंड, ये रही, ये सॉल्व करना है बच्चों आपको विद इन और विद इन 1 मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बी केयरफुल बच्चों, बी अटेंटिव, बी केयरफुल। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिखा हुआ है द फैक्ट फैमिली शोन बिलो इज मिसिंग अ फैक्ट, 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24। 4 ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको फाइंड आउट करना है, जो यहां पे लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होगा, विच इज द मिसिंग फैक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सा फैक्ट मिसिंग है। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर।
जल्दी जल्दी बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। डिवाइड साइन, कहां पे डिवाइड साइन बेटा? आंसर बताओ। ठीक है, तो आंसर नोट किया जाए इसका। ठीक है, पहला आंसर था इजी एवरीथिंग, यानी कि वैभव सचान। सर नोट करिए, वैभव सचान फर्स्ट, वैभव सचान फर्स्ट, उसके बाद सात्विक सेकंड, वैभव सचान फर्स्ट, सात्विक सेकंड, और मिथिलेश देवी। बेटा अपना नाम बताओ, मिथिलेश देवी कौन है ये? अपना नाम बताओ पहले बेटा, नाम क्या है आपका? अपना नाम बताओ मिथिलेश देवी, आपका नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट्स अपना नाम बताओ, नाम बताइए अपना नाम। मिथिलेश देवी आपका नाम क्या है बेटा? नाम बताओ जल्दी से। सात्विका। ओके सर, सर प्लीज रिफॉर्म कर लीजिए, वो सात्विक नहीं सात्विका है। मिथिलेश देवी अपना नाम बताओ। सोनाली चौहान, सोनाली चौहान थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्विज आपके सामने बच्चों आने वाली है, तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी वो क्विज आपके सामने। ये रही, ये आपको विद इन 40 सेकेंड में बतानी बच्चों। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बी केयरफुल बच्चों, आपके लिए डिफिकल्टीज लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, इसके बाद और बढ़ेगा, तो बी केयरफुल। अब जो आपकी क्विज होगी वो एवरी संडे होगी, ठीक है बच्चों? आपकी क्विज एवरी संडे होगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको संडे को तैयार रहना है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सिलेबस कब यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आंसर बताओ बच्चा इसको, इजी है यानी वैभव सचान सी आंसर। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ बेटा। ओके ओके ओके, अनुष्का पटेल, यू आर द वन हु हैज गिवन एज आंसर सी। ओके बच्चों जल्दी से, बस विद इन 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। ओके, योर टाइम आउट बच्चों, टाइम आपका खत्म हो चुका है, ठीक है? सर नोट करिए, पहला जो आंसर दिया हुआ है सही वो है शशांक कश्यप, उसके बाद जो है वो है श्रेया, सेकेंड नंबर पे श्रेया है, हालांकि थोड़ा सेकेंडों का फर्क है श्रेया और दिव्यम दीक्षित में, उसके बाद श्रेया, फिर थर्ड नंबर है दिव्यम दीक्षित। बेटा आपकी एक एक क्विज के हिसाब से आपका 1 2 3 डिसाइड होता है, उसके बाद जो रेशियो बनेगा एवरेज में उस पे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा उसके घर में प्राइज आएगा, ठीक है? उसके बाद बच्चों ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको लेके आए क्विज नंबर 4th, आपके सामने ये रही। तो बच्चों देखो जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा, पढ़ो समझो विद इन टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, ये आपको 60 सेकेंड में करना है। योर टाइम स्टार्ट हैज बीन स्टार्ट, डू फास्ट बच्चों, डू फास्ट विदाउट टेकिंग एनी टाइम, डू फास्ट। आंसर बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताओ बेटा, मजा आने वाला है, सारे आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं वो आपके साथ हैं, चाहे जूनियर हो या सीनियर, कंपटीशन यहीं पे आएगा। और मैं तो चाहता हूं जितने जूनियर हैं वो आगे निकल के आए अपने सीनियर से, ताकि मजा आए हमें हराने में, ठीक है? जल्दी से आ जाओ, जल्दी बेटा जल्दी से आ जाओ, ठीक है? आंसर बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम डिसाइड करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, और अभी का अभी बताएंगे बच्चों। ओके, विद इन 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड इज लेफ्ट। ओके सर, आंसर नोट किया जाए, पहला सात्विका, सेकेंड नंबर पे शशांक कश्यप, बेटा एच डी हैकर अपना नाम बताओ, बेटा एच डी हैकर नाम बताओ अपना क्या है, एच डी हैकर। एच डी हैकर नाम बताओ बेटा, गुड आफ्टरनून प्रशांत पाल,
आई वॉन्ट टू ने आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ एच डी हैगर. वॉट इज योर नेम बेटा? एच डी हैगर नाम बताओ बेटा अपना जल्दी. जल्दी बताओ बेटा नेम बताओ. टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप नाम बताएं, आपका नाम नोट किया जाए, उसके बाद आगे की क्विज स्टार्ट की जाए. एच डी हैकर जल्दी से बेटा नाम बताओ अपना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी फिर आपको, प्राइस के रिगार्डिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती बेटा. एच डी हैकर नाम बताओ प्लीज, नाम बताओ बेटा क्या है तुम्हारा नाम? अर्नव सर प्लीज नोट डाउन द नाम अर्नव. ओके नेक्स्ट क्विज आपके सामने ये रही. फाइंड अ सिमिलर रिलेशन कोर्ट जस्टिस स्कूल विद इन 30 सेकेंड. बच्चों ये आपको 30 सेकेंड में देना है. एच डी हैगर का सर फुल नेम अर्नव पाल है. फाइंड द सिमिलर रिलेशन कोर्ट जस्टिस तो स्कूल क्या होगा विद इन सेकेंड, यानी 30 सेकेंड में आपको आंसर देना है. अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो ये चली जाएगी क्विज. जल्दी जल्दी आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दें. ओके जल्दी से आंसर दें बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दें आप लोग प्लीज, जल्दी से आंसर दें. व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्विज, क्विज नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सिमिलर रिलेशन कोड जस्टिस देन स्कूल देन व्हाट इज इन बिटवीन इन अमंग टीचर्स हेड मास्टर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन. Which one is the right answer? Okay, sir, please note करिए. Tech gamer, बेटा नाम बताओ. Tech gamer, नाम बताओ अपना. Tech gamer, I want to know your name. What is your name? Tech gamer, अपना नाम बताओ बेटा. Tech gamer, प्रशांत पाल. प्रशांत पाल लिखिए सर first. अक्षर रियाज और अभय सचान. उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक क्विज से फर्स्ट सेकंड डिसाइड नहीं होगा, 1x1 क्विज. उसके बाद जो एवरेज आएगा, उसके बाद जो रेशियो निकलेगा, उसके बाद जो सारी चीजें आपको प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पहुंचेगा आपको घर, काफी एक्साइटिंग और मजेदार प्राइज होगा. तो बने रहे हमारे अपने चैनल मेरी पढ़ाई को, और नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब. तो ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों आगे क्विज लेके आते हैं जो कि आपके सामने ये रही. Who found sea route to India via Cape of Good Hope? बच्चों देखो, मैं आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स पॉलिटी मैथ साइंस सब कवर हो जाएगी. जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर. ओके सर आंसर नोट करिए सर. शशांक कश्यप फर्स्ट, फैबो सचान नहीं, सचान शशांक कश्यप फर्स्ट है. सात्विका सेकेंड और प्रशांत पाल थर्ड. ओके वेरी गुड, बहुत ही मजेदार चीज है. फिर से क्वेश्चन देख लेना बच्चों एक बार आप. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हु फाउंड सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप. सबको पता है, बताने की जरूरत किसी को नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग आंसर अभी दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, जब हमारे चैनल पे आपको SST का जो धमाकेदार लेक्चर मिलेगा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, प्रॉमिस है ये. बस आप बने रहे और देखते रहे. ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, बहुत सारा सही आंसर दिया हुआ है. सर आपने तीनों लिख लिए, ठीक है. तो उसके बाद अब हम बात करते हैं क्विज नंबर नेक्स्ट, जो कि क्विज है 7th आपके सामने ये रही. फाइंड द ऑड वन आउट स्नेक लिजार्ड व्हेल फिश क्रोकोडाइल क्या होगा विद इन 30 सेकेंड में आंसर देना बच्चों. योर टाइम स्टार्ट नाउ. जल्दी जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर.
बहुत सारे लोगों ने आंसर देखो क्या दिया हुआ है, सी बी डी भी दिया हुआ है। ओके 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 ठीक है सर, आंसर तो नोट करिए सर। हरी राम नाम बताओ बेटा अपना, हरी राम नाम क्या है, हरी राम नाम क्या है बेटा, हरी राम नाम बताओ बेटा, हरी राम नाम क्या है आपका। हरी राम बेटा एक ही बार आंसर देना होगा, दो दो बार आंसर नहीं देना होगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। दो बार आंसर दोगे तो आपका कट हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हरी राम ने किया हुआ है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड, रितिका ये आप भी पहले दे चुके हो, ठीक है। उसके बाद सर नाम नोट करिए, वैभव सचान, वैभव सचान, ऋषि कुमार, ऋषि कुमार आपका नेम क्या है, यही नेम है क्या, ठीक है। ऋषि कुमार, रोहित कुमार यादव, रोहित कुमार यादव, ओके ठीक है चलो। उसके बाद बेटा ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्विज पे, ठीक है। तो आप प्लीज इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी आप जो है, ओके ठीक है। सबसे पहले मैंने दिया ओके, हाँ ठीक है लिख लिया, सारा नाम लिख लिया गया है, ठीक है। उसके बाद सर हो गए तीनों लिख लिए, ओके। उसके बाद टेक्निकल टीम आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्विज आपके सामने ये रही, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड, विद इन 30 सेकेंड आपको आंसर देना है बच्चों, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी या होलोग्राफी, विद इन सेकेंड आंसर, गिव मी द आंसर बच्चों, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बच्चों जल्दी से आंसर दो, ए ए ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो। सर आंसर नोट करिए, आंसर सर नोट करिए। पहला आंसर दिया है वो दिया हुआ है दिव्यम दीक्षित ने, ए। उसके बाद दिया हुआ है वैभव सचान, और उसके बाद अभय सचान, वैभव सचान, उसके बाद अभय सचान। जल्दी से बच्चों, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके ठीक है ठीक है। बेटा आप देख सकते हो इसमें कोई किसी का वो नहीं हो सकता, जो आंसर जिसने दिया वही लिखा जाएगा उसमें, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है बच्चों, ठीक है ओके वेरी गुड। बाकी सारे नाम जिसने आंसर दिए हैं, जो जिसने आंसर सही, देखो बच्चों जिसने आंसर सही दिया उसका भी नाम लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो निकाला जाएगा लास्ट में, हाँ इसने आंसर लास्ट में दिया लेकिन सही आंसर दिया है या क्या गलत दिया, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट सेकेंड हो सकता है कि जो फर्स्ट सेकेंड है उसके आगे आप निकल जाओ, तो आंसर सबको देना है। रोहित कुमार यादव की जगह से स्वप्निल यादव, स्वप्निल यादव कर लीजिए। हाँ अभय सचान का आप नहीं सर लिखिएगा, आपने क्या क्या लिखा सर, अभय का हटाइए, प्रार्थना झा करिए वहां पे, ओके ठीक है बच्चों। सर मैंने हाँ ठीक है ठीक है ठीक है लिख लिया है, जो भी थर्ड था वो लिख लिया गया है बेटा, ठीक है ऋषि कुमार जहां लिखा सर नाम वहां संस्कार कुशवाहा कर दीजिएगा, वो संस्कार कुशवाहा है, ठीक है सर ओके
ओके बेटा, देखिए आप ये मत बोलिए कि आपने किया किसने किया, आपके जो आंसर है वो लिख लिए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बस इन्फॉर्म करता हूँ, सब देख लीजिएगा, बाकी सब लिख लिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके सामने क्विज नंबर 10 ये रही। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर इज कॉल्ड विद इन 30 सेकेंड। जल्दी जल्दी आंसर दें बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दें आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। नोट करिए, फैबो सचान, अक्षर रियाज, अभय सचान। बाकी सारी चीज आप सर नोट कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर में डाल के जो फर्स्ट सेकंड जो भी आंसर सही होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, उसका एवरेज के अकॉर्डिंग पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्विज बच्चों आपके सामने जो है वो आने वाली है, क्विज नंबर 11 वो आपके सामने ये रही। द डिजीज गाइटर अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आर बॉडी। आप देख सकते हो डिजीज पता ही है आपको, ठीक है, जो गाइटर को इफेक्ट करती है वो बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, जो गाइटर की डिजीज होती है वो बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, जल्दी जल्दी बताओ। आई, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर। ओके जल्दी बताओ बच्चों आंसर, ठीक है। आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, मेंटल मैथ, अबैकस, जितना भी सारी चीज है वो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ओनली ऑन मेरी पढ़ाई चैनल। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है सर, आंसर नोट करिए बेटा। पहले तो हमको ये नाम बता दो, कौन है? जगुनंदन सिंह। जगुनंदन सिंह नाम बताओ बेटा, क्या है आपका? उसके बाद सर संस्कार कुशवाहा और अभय सचान। जगुनंदन सिंह नाम बताओ बेटा, क्या है आपका? कौन है जगुनंदन सिंह, नाम बताओ बेटा, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होगी जब आगे हमें कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। शगुन सेंगर, जगनंदन सिंह मतलब शगुन सेंगर, नोट कर लीजिए सर। हाँ, सेकंड बता दिया मैंने आपको, संस्कार, और थर्ड जो है अभय सचान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्विज आपके सामने ये रही। द डिजीज कैटरेक्ट अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी विद इन 40 सेकेंड, आपको आंसर बताना है, बताइए जल्दी आंसर। जल्दी 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 आंसर बताइए बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ओके, टिक गेमर का क्या नाम था? टिक गेमर नाम बता बेटा, नाम जरूर लिखा करो आप लोग अपना एक बार। दिव्यम दीक्षित सेकेंड, और उसके बाद अक्षर रियाज सर। टेक गेमर नाम बताओ अपना। हाँ ठीक है, वो नोट कर लिया गया। टेक गेमर नाम बताओ अपना, टेक गेमर नाम क्या है आपका? प्रशांत पाल, ठीक है, लिख लिया गया बेटा, लिख लिया गया। परेशान मत हो, अक्षर रियाज और जो भी आपको लग रहा है कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो सब लिख लिया गया, उसके लिए परेशान मत हो। मैं बस यहां से क्लियर बोल रहा हूं बस सर को, बाकी सर अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्विज आपके सामने ये रही।
आप लोग बेटा ये आपका जो है यहाँ पे दिमाग में ये रखना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी। सॉफ्टवेयर सारे एक्टिवेट हैं, मैं सब यहाँ पे कंफर्म करता हूँ सर को, बाकी सॉफ्टवेयर से आंसर आपके पहले सिलेक्ट हो जाते हैं। जो आंसर देगा उसका नाम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, उसके बाद कौन कौन सही दे रहा है, वो सब वन बाय वन करके आ जाता है। ठीक है, ऋतिक, ऋतिक शविता नाम बताओ बेटा क्या है तो आपका, ऋतिक शविता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, ऑल ऑफ दीज, जल्दी लिए आंसर बताओ बेटा। ऋतिक शविता नाम बताओ, ऋतिक शविता नाम बताओ बेटा अपना, ऋतिक शविता नाम बताओ जल्दी से, अपना नाम क्या है आपका, ऋतिक सविता, अमन सविता, ठीक है अमन सविता ओरिजिन। ऋतिक के बाद दिव्यम दीक्षित और सगुन सेंगर, ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्विज आपके सामने ये रही, द डिजीज जॉइंटिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी विद इन 20 सेकेंड, जल्दी बताओ बेटा विद इन 20 सेकेंड जॉइंटिस बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है 20 सेकेंड, 5 सेकेंड निकल चुके हैं। जल्दी जल्दी बताओ बेटा जल्दी जल्दी, सगुन सगुन अमन दिव्यम, जल्दी जल्दी बताओ बेटा जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है बहुत सारे बच्चों ने सही दिया हुआ है, ठीक है कुछ सारे बच्चों ने गलत भी दिया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने सही दिया, उनका आंसर नोट कर लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने दिया है बट टाइम लगा के दिया, बट कोई नहीं आंसर तो सही दिया उन्होंने, सगुन अमन एंड दिव्यम। ओके बच्चों उसके बाद ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे की क्विज आपको लेके आते हैं, ठीक है आगे की क्विज आपके सामने ये रही, चलिए आंसर बताइए इसका बच्चों, जो कि क्विज है आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विद इन 30 सेकेंड, बताइए बच्चों क्या होगा आंसर इसका। ओके 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 ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है तो जो इसका आंसर होगा बच्चों, बच्चों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं, आप जल्दी जल्दी आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया
जल्दी जल्दी बताएं बच्चों क्या इसका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने शायद शायद और शायद गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छा रिफॉर्मेशन जिसने भी किया हुआ है देख रहा हूं मैं, जैसा कि ठीक है। ओके ठीक है, पहले ए दिया फिर बी दिया, तो मैं बता दूं बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके जिसने काला दिया हुआ वो सही आंसर है, बाकी सबके रॉन्ग है। ओके ज्यादा टाइम ना लेते हो बच्चों, नेक्स्ट क्विज पे आते हैं। क्विज नंबर 16 आपके सामने ये रही। द डिजीज, ठीक है, फेनोमेनिया अफेक्ट विच, द डिजीज निमोनिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आर बॉडी। देख सकते हो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, थर्ड टाइम पढ़ रहा हूं, सुन लो बच्चों। द डिजीज निमोनिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आर बॉडी, लंग्स, लंग्स, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी कुछ, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मैं देख, और फिर भी बहुत, फिर भी देखो, फिर भी सी आंसर दिया हो। टेबल टेनिस, द डिजीज निमोनिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आर बॉडी पूछा गया, बॉडी में टेबल टेनिस नहीं आएगा। मैं वो यही जानना चाहता था, यही इसीलिए दिया गया है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैंने कहां से हम लोग ने चीजें इकट्ठा करके रखी हैं आपके सामने, ठीक है। लंग्स, बहुत सही, तो इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, लंग्स इज द राइट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्विज, उससे पहले एक बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं हम लोग ने कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे मजेदार, ठीक है, जो कि कॉकरोचेस ने आपको उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखो बच्चों, आपको थोड़ा कंफ्यूजन मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्विज, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके सामने ये रही। द डिजीज आर्थराइटिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जल्दी बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। प्रशांत, अमन, सगुन, प्रशांत, अमन और सगुन सिंगर, ठीक है। ओके जल्दी ली बच्चों, जल्दी ली आंसर बता डालो। सगुन, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्विज आने वाली है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है बच्चों ने, बड़ा मजीशियन मास्टर, एक बार आंसर दो, है ना। नेक्स्ट क्विज आपके सामने ये रही। इंक्रीजेस इन सुगर लेवल इन द ब्लड कॉज विच डिजीज विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड, टिकटॉक, 1, 2, विद इन 1 सेकेंड बच्चों आंसर देना है। इसको बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बट टाइम का थोड़ा सा इशू है। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी 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 बताओ, ठीक है। आपको देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी आंसर दे रहा है, लेकिन अगर उसको लगता है कि उसके घर प्राइस पहुंच सकता है, तो ये भी हो सकता है कि आपने कुछ आंसर गलत दिए हो, ठीक है। लेकिन बाकी सारे बच्चे कुछ ऐसे हो जिन्हों कंटिन्यू सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में नहीं आ पा रहे, लेकिन कंटिन्यू फर्स्ट आंसर सही दे रहे हैं, तो हो सकता है वो फर्स्ट आए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे ये डिसाइड है कि आंसर सही होना चाहिए, आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड इशू भी है, टाइम का भी इशू है वहां पे, और आंसर का भी इशू है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेगा कौन। तो इसीलिए बस दिमाग में ये रखना, आंसर सही देना है और जल्दी देना है आपको। हाँ ओके ओके, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेक बाय आवर टेक्निकल टीम, डोंट वरी टू ऑल। ओके फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, सबको पता है डायबिटीज होती है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट क्विज हमारे सामने ये रही। द डिजीज
जल्दी बताओ बच्चों, पढ़ लो। इसको लिखा हुआ था डिजीज एंजाइमा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी। जल्दी बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर, ए बी डी। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बता दो, ठीक है। विद इन 5 सेकंड, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बताया, ठीक है, बी डी सी बी जो भी है, ठीक है। तो आपके आंसर नोट कर लिए गए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो नोट कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, स्किन इज द राइट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्विज, लास्ट क्विज है, वो आपको विद इन 10 सेकंड में आंसर देना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। आपकी 20 नंबर क्विज ये रही, द डिजीज कर्वी इज caused ड्यू टू द deficiency ऑफ which vitamin? विद इन 10 सेकंड गिव मी द आंसर बच्चों, डू फास्ट। बी बी अनुष्का पटेल बी दे रही आंसर, ओके जल्दी ली दो। स्कर्वी, द डिजीज कर्वी इज caused ड्यू टू द deficiency ऑफ which vitamin? अनुष्का पटेल थोड़ा सा रिफॉर्म करो बेटा, ए भी लोग दे रहे हैं, विटामिन सी, ओके बहुत बढ़िया। ओनली 5 सेकंड इज लेफ्ट, 1 2 3 4 5 एंड, यानी कि आंसर इज विटामिन सी, विटामिन सी इज द राइट आंसर। सो ये भी नोट कर लिया गया हमारी टेक्निकल टीम के थ्रू, ठीक है बच्चों। आपने बहुत सही, बहुत बढ़िया खेला है, ठीक है। और इसके बाद जो क्विज आएगी वो इससे भी थोड़ी सी हार्ड होगी, आपको पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। आप जब पढ़ाई करोगे तो वहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपका मेंटल लेवल और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वेलकम, एंड हो चुका है तो हम आपको बोलते हैं थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मजा आ रहा है, आप सब हमें मजा आ रहा है। हम आप सोचिए, हम इस टाइम पे भी थोड़ा सा पसीना आ रहा, देख सकते हैं आप, आपके लगे हुए हैं और आप घर में आराम से पंखे में एसी में सो के जाके लेट के खाते हुए पढ़ते रहें, देखते रहें हमारा अपना चैनल मेरी पढ़ाई। यहाँ पे आपको UPSC ITJEE नीट और एकेडमिक तो आप देख ही रहे हैं, स्पोर्ट्स म्यूजिक ईच एंड एवरीथिंग एज अ यूट्यूब मिनी स्कूल एज अ मेरी पढ़ाई। तो बने रहें, देखते रहें जितने भी चीज़ें हैं, और आप हेल्दी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, देश का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद।